हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा समाचार में आप सभी का स्वागत है। जय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे घड़ी, जो रीजनिंग का एक टॉपिक है। अक्सर RRB, ग्रुप डी, SSC इनमें इसका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो घड़ी में पहला टॉपिक है हमारा कोण ज्ञात करना। तो कोण कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कोई प्रश्न आ गया कि एक घड़ी में 8:50 का समय हुआ है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें हम कैसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे वो देखेंगे। तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, कोण ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, 11/2 मिनट माइनस 3×30 बजे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे यही प्रश्न मान लो एक घड़ी में 8:50 का समय हुआ है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 11/2 मिनट कितना हुआ है, 8:50 यानी 50 मिनट हैं, फिर माइनस 30 बजे यानी कितने बजे, 8 बजे, तो गुणे में 8। अब इसको काट लेंगे, 2 कट गया 25 बार। ठीक है, ये कितना आ गया, 11×25 कितना आ गया, 1 25 25 को 5 इसलिए 2 1 25 25 2 27 275, और इधर माइनस 0 8 3 24, तो 275 माइनस 240, 275 माइनस 240 कितना है, 5 और 3 यानी 35, अपने पास 35 आंसर है, यानी 35 डिग्री का कोण बनेगा। 8:50 का जब घड़ी में समय होगा तो दोनों सुइयों के मध्य 35 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, एक घड़ी में 2:40 का समय हुआ है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, मिनट की जगह मिनट लिखेंगे और बजे की समय बजे की जगह बजे लिखेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 11/2 मिनट कितना है अपने पास, 40 माइनस 30 गुणे बजे कितने, 2 बजे। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, कोण यदि पूछा जाए तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, अक्सर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही बार या तो कोण पूछा जाता है या दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप वो पिछली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कट गया 40 कितनी बार, 20 बार, तो 11×20 कितना हुआ, 220 माइनस 30×2 कितना हुआ, 60 हो गया। तो 220 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 220 माइनस 60 0 6 160 बचेगा, 160। जी हाँ दोस्तों, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 160 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जय दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, एक घड़ी में 5:10 का समय हुआ है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसमें समय आ गया अपने पास 5:10, तो इसको कोण ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला, 11/2 मिनट माइनस 30×बजे, इसको याद ही कर लेना। ठीक है, इसको याद कर लेना, तो निकाल लेते हैं, 11/2 गुणे में मिनट, मिनट कितना है 10 मिनट, माइनस 30 गुणे बजे, बजे कितना है 5 बजे। ठीक है, तो 10 कट गया 2 से 5 बार, तो 55 आ गया, माइनस 150। ठीक है, 3×5 15। ठीक है, ठीक है ना,
तो 55 माइनस 150 कितना हुआ? कितना है? 95 डिग्री।